सब्सक्राइब कीजिए शर्मा फोर टेक्निकल को और दबाए इस बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं वरुण आप सभी को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शर्मा फोर टेक्निकल में। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको PFKYC ज्वाइनिंग डेट आपका क्या है, रिजाइन डेट क्या है, सर्विस हिस्टोरी क्या है, आप कब से काम कर रहे हैं, आपका KYC हुआ है या नहीं, ये सारी चीज़ आपको इस वीडियो में बताने वाला है। तो अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको APF के वेबसाइट पर लॉगिन होने के बाद आपको KYC अपडेशन मेंबर में जाना है। उसके बाद आपको इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे यूनियन नंबर एंड पासवर्ड एंड कैप्चा डालकर साइन इन कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे यूनियन नंबर पासवर्ड एंड कैप्चा डालकर साइन इन कर लेते हैं। साइन इन करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो चलिए मैं फटाफट साइन इन कर लेता हूँ। कैप्चा बिल्कुल सेम होना चाहिए, बड़ा अक्षर में तो बड़ा अक्षर में, छोटा अक्षर में तो छोटा अक्षर में। तो चलिए साइन इन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रोफाइल ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसमें से 5 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे एक मैनेज का ऑप्शन है, तो मैनेज के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद KYC पे क्लिक कर देना है। KYC पे क्लिक करने के बाद आपका KYC हुआ है या नहीं आपको यहाँ पे दिखा देगा। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड वोटर आईडी कार्ड एंड बैंक अकाउंट रजिस्टर है या नहीं, तो वहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड बैंक अकाउंट, ये 3 चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। आधार, पैन एंड बैंक अकाउंट, ये आपका KYC कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कभी पैसा निकालिएगा PF से तो आपका निकल पाएगा, वरना आपको पैसा नहीं निकल पाएगा। उसके बाद व्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सर्विस हिस्टोरी में क्लिक कर देना है। सर्विस हिस्टोरी पे जैसे क्लिक कीजिएगा आपको यहाँ पे दिखा देगा कि आप कितने कंपनी में काम किए हैं, कब कंपनी छोड़े हैं, आपका कब का ज्वाइनिंग डेट है और आपका रिजाइन कब हुआ है, कौन से कंपनी में काम कर रहे थे, ये सब कुछ आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। तो हम आपको चेक करके दिखा दिए हैं कि किस तरह से सर्विस हिस्टोरी एंड KYC चेक कर सकते हैं, आपका ज्वाइनिंग डेट हुआ है या नहीं, आपका रिजाइन डेट हुआ है नहीं, ये सब कुछ अब मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया हूँ। तो फ्रेंड्स, हम आपको इस वीडियो में PFKYC एंड ज्वाइनिंग डेट, रिजाइन डेट कब का है, ज्वाइनिंग कब का है, सर्विस हिस्टोरी के बारे में आपको इस वीडियो में हमने बताया है। तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी परेशानी होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और आपको हम कमेंट का रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय, जय हिंद।